अगर मुझे छेड़ा जाएगा फिर आइए, आप भी आइए, हम भी आते हैं। बाप से बात करने से पहले बेटी से बात कर, चल। क्या पवन सिंह से दो दो हाथ करने को तैयार है अक्षय सिंह? अभी अभी आपने जो सुना अक्षय सिंह के मुंह से वो सच है। अक्षय सिंह ने हाल ही में अपने एक इंटरव्यू में पवन सिंह के दिए बयान पर काफी कुछ कहा है। इसकी एक झलक तो आप देख ही चुके हैं, मगर आगे की पूरी कहानी बाकी है। उन्होंने क्या क्या कहा ये बताते हैं आपको। बाप से बात करने से पहले बेटी से बात कर, चल। हाँ तो आप मुझसे फरियाद लीजिए ना पहले, उसके बाद बाबूजी पे जाइए या मेरे पेरेंट्स पे जाइए। मैं तो किसी के खानदान पे नहीं जा रही हूँ ना, मैं तो किसी के बाप माँ के बारे नहीं जा रही हूँ। नहीं तो अगर जाने पे आऊँ तो मेरे पास भी बहुत से चिट्ठे हैं। की बात हैसियत की अगर बात निकलेगी तो बहुत दूर तक लग जाएगी, इसलिए बातों को बंद ही रखा जाए और चुप ही रहा जाए तो ज्यादा बेहतर है। पटना में एयरपोर्ट पे हूँ, एड्रेस बताओ, यही खड़ी हूँ। किस बात का खौफ? किस बात का खौफ? मैं झूठ मूठ का ना, फालतू का चिल्ला के और वो करके ना स्टाइल नहीं मारती हूँ जी। अगर इतना कलेजा रखी हूँ कि सत्यता के साथ खड़ी रह सकूँ, बोल सकूँ, ना सिर्फ अपनी आवाज, पूरे बिहार यूपी की लड़कियों की आवाज बनकर आज मैं खड़ी हूँ, या किसी को निडर बनाने का थोड़ा बहुत भी काम कर पा रही हूँ, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मुझ में सत्यता है, इसीलिए मैं खड़ी हूँ निडर हूँ। अगर मुझे छेड़ा जाएगा फिर आइए, हम भी आते हैं। कि आप मुझे मार दो, मुझे मार दो आप, बस ये मामला यही का यही खत्म हो जाएगा। पर अगर मुझे छेड़ा जाएगा तो आप भी आइए और हम भी आएंगे मैदान में, फिर होगा सही हंगामा। और उनकी सोच ऐसी है, पढ़ाई लिखाई की कमी है, अभी अगल बगल के लोग उन्हें जरा सिखा रहे हैं और अभी वो भी सीख रहे हैं। उनसे सीख कर नेक्स्ट प्लान बनाओ भाई तगड़ा, कि क्या करना है। और पहले आप मुझसे बात करो, उसके बाद कहीं जाना बाप से। क्या बात करोगे? पहले बेटी से बात कर लो जो करना है, और अगर ऐसी ही बातें बोलनी है तो बात निकली है तो बहुत दूर तक जाएगी, क्योंकि मेरे पास बहुत सी ऐसी बातें हैं ना जो निकली बाहर तो गलत हो जाएगा। चलिए छोड़िए, बस अब क्या कहें, बातों को बंद ही रखा जाए, चुप ही रहा जाए तो सही होगा। और डरती तो मैं किसी से नहीं हूँ, 2018 के बाद से यही हूँ मैं। और आए दिन देखती हूँ कि कभी कहीं मेरा नाम आता है तो कभी कहीं मेरा नाम आता है। मेरा नाम लेना बंद कीजिए, हर जगह बेवजह घसीटना मुझे बंद कीजिए। हम अकेले काफी हैं, हम अकेले काफी बानी। सुना आपने कि अक्षय सिंह किस तेवर में सभी बातें कह रही हैं। खैर, बातों की लड़ाई कहाँ तक जाएगी और कितनी दूर तक जाएगी और कब जाकर ये थमेगी, ये तो फिलहाल आने वाला वक्त ही बता पाएगा। मगर अक्षय सिंह के इन तेवरों के बारे में आपका क्या कहना है बताना मत भूलिएगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में। पूर्वांचल लाइव की ऐसी ही लेटेस्ट और चटपटी अपडेट्स और गॉसिप के लिए बने रहिए अपने फेवरेट चैनल पूर्वांचल लाइव के साथ।